हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई किट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिलेज, काफ़ी टाइम हो गया नेटवर्क के वीडियोस आए हुए। एक्चुअली फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से टाइम नहीं मिल पाया मुझे वीडियोस बनाने का। तो अब इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने वाला हूं नेटवर्क का जो रिमेनिंग टॉपिक बचा था। तो नेटवर्क के इसके पहले वीडियोज़ में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करा दिए थे, उनके क्वेश्चंस भी करा दिए थे। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है नेटवर्क में वो है आपका ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और इसको मैंने कैसे समझाया है, इसमें मैंने आपको एक एक चीज़ के रूल्स बताऊंगा, जैसे इंडक्टर हुआ या कैपेसिटर हुआ, इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या इनके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो वो रूल्स आपको याद रखने हैं। अगर वो रूल्स आप याद रखेंगे तो आप गेट में इजीली ट्रांजिएंट का क्वेश्चन कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचते हैं, तो उन सब्जेक्ट में से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, तो इनमें जिन टॉपिक से मोस्टली गेट में क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक हम लोग आपको पहले कवर कराएंगे। तो और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वीडियोस में, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब वो आने वाले वीडियोस में नॉइज़ की प्रॉब्लम या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वीडियो कंटिन्यू आएंगे आपके गेट तक। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो कंटिन्यू देखने हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करने हैं, कमेंट करना है, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो हम लोग अपने वीडियोस की क्वालिटी और बेहतर बनाएंगे अगर आप वीडियोस को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो ठीक है, अब देर ना करते हुए स्टार्ट करने अपन ट्रांजिएंट में। ट्रांजिएंट क्या है, ट्रांजिएंट आर प्रेजेंट इन द सर्किट व्हेन द सर्किट इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज, आइदर बाई चेंजिंग सोर्स मैग्नीट्यूड और बाई चेंजिंग एनी सर्किट एलिमेंट, प्रोवाइडेड सर्किट कंसिस्ट ऑफ एनी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। मतलब ट्रांजिएंट कब होता है सर्किट में, जब सर्किट इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज, जब सर्किट में कोई चेंज हो रहा हो तब आपका क्या होता है, ट्रांजिएंट हो रहा हो। अब वो चेंज क्या होगा, या तो आपका सोर्स मैग्नीट्यूड चेंज होगा या सर्किट का कोई एलिमेंट चेंज होगा। और सर्किट में ट्रांजिएंट कब होगा, जब सर्किट में आपका कोई एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होंगे। तो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट में आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, इंडक्टर होते हैं और कैपेसिटर होते हैं, ये दोनों होते हैं आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। तो जब सर्किट में आपका इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा तभी उसमें ट्रांजिएंट की कंडीशन होगी, ठीक है। तो व्हेन द नेटवर्क इज हैविंग ओनली रेजिस्टिव एलिमेंट नो ट्रांजिएंट आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क, जब नेटवर्क में केवल रेजिस्टिव एलिमेंट होगा तो उसमें ट्रांजिएंट की कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, एनर्जी नॉट नॉन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, क्योंकि रजिस्टर आपका कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करता है। एनर्जी स्टोर कौन करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ट्रांजिएंट कब होगा, जब इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे आपके सर्किट में, ठीक है। रजिस्टर क्यों नहीं करता है? क्यों, रजिस्टर अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। रजिस्टर जो होता है उसमें आपका सडन वो अलाउ कर देता है सडन चेंज ऑफ करंट और सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। रजिस्टर डज नॉट स्टोर एनी एनर्जी, रजिस्टर आपका कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता है। ट्रांजिएंट आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क व्हेन इज हैविंग एनी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, सिंस इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज है, ये आपको एक एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत ध्यान से देखनी है। मैं बताता जा रहा हूँ आपको, वो चीज़ें आप याद रखनी है। जैसे इंडक्टर होता है, तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। इंडक्टर जो होगा वो करंट की वैल्यू को सडन चेंज अलाउ नहीं करेगा। एंड इट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, जो आपका कैपेसिटर होगा वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करेगा। और जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी वो होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो ड्यू टू एनर्जी स्टोरेज प्रॉपर्टी इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक एलिमेंट या मेमोरी एलिमेंट। जब ये एनर्जी को स्टोर करते हैं
कैपेसिटर या इंडक्टर। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डायनेमिक एलिमेंट, क्योंकि इनने एनर्जी स्टोर कर ली, तो इनको बोलते हैं अपन डायनेमिक एलिमेंट या मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं टी टेन टू जीरो माइनस पर क्या होता है। इंडिकेट आपका करेगा इमीडिएटली बिफोर ऑपरेटिंग द स्विच। ट्रांजिएंट बेसिकली आपका क्या होता है, एक स्विच होता है, ये है आपका स्विच। ठीक है, ये पोजीशन वन है, ये पोजीशन आपकी टू है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक एक स्विच। तो टी टेन टू जीरो माइनस पर इंडिकेट इमीडिएटली बिफोर ऑपरेटिंग द स्विच, मतलब ये जो सिंबल होता है, सर्किट आपका ओपन है, फर्स्टली सर्किट ओपन है, ये एरो नीचे जा रहा है। तो टी टेन टू जीरो माइनस पर अपन बात करें इस सिंबल में, टी टेन टू जीरो माइनस पर स्विच आपका क्या है, ओपन है, एंड टी टेन टू जीरो प्लस पर आपका क्या हो जाएगा, स्विच आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, टी टेन टू जीरो प्लस पर इंडिकेट इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेटिंग द स्विच, ये एरो का मतलब टी टेन टू जीरो पर स्विच आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका स्विच ये लगा हुआ है, ठीक है, और एरो आपका ऊपर बना हुआ है, तो टी टेन टू जीरो माइनस पर स्विच आपका क्लोज है, और टी टेन टू जीरो प्लस पर स्विच आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंबल है, आपको याद रखने हैं इनको। और टी टेन टू इनफाइनाइट पर इंडिकेट स्टेडी स्टेट कंडीशन आफ्टर ऑपरेटिंग द स्विच। टी टेन टू इनफाइनाइट पर स्टेडी स्टेट कंडीशन को डिनोट करेगा स्विच को ऑपरेट करने के बाद। तो इसमें देखते हैं अपन एक्चुअली ट्रांजिएंट्स होता क्या है। ट्रांजिएंट आपका होता है, मैंने बताया कि ट्रांजिएंट एक्चुअली वो चीज़ होती है जो आपको स्विच ऑपरेट करते हैं। आप जैसे ये कोई स्विच हो गया, तो टी टेन टू जीरो माइनस पर स्विच, बहुत पहले तक स्विच क्या था, ओपन है आपका, ओपन है। ठीक है, तो टी टेन टू माइनस इनफाइनाइट से मान के चलिए आपका स्विच ओपन है, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो माइनस तक स्विच आपका ओपन है। यहां से चलिए माइनस इनफाइनाइट से जीरो माइनस तक स्विच आपका ओपन है, तो सर्किट आपका क्या है, स्टेडी स्टेट में है। सर्किट आपका क्या है, स्टेडी स्टेट में है। अब जीरो माइनस से जीरो प्लस के बीच में स्विच आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया, स्विच आपका क्लोज हो गया। तो वो कंडीशन होगी आपकी ट्रांजिएंट स्टेट, उसी को अपन को एनालिसिस करनी है इस टॉपिक में। ट्रांजिएंट स्टेट जो जीरो माइनस से जीरो प्लस के बीच की जो कंडीशन होगी वो होती है आपकी ट्रांजिएंट स्टेट, और फिर जीरो प्लस से इनफाइनाइट तक आपकी फिर स्टेडी स्टेट हो जाएगी। मतलब एक्चुअली जो ट्रांजिएंट प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्विच ओपन है और जस्ट उसको क्लोज कर दिया तो ट्रांजिएंट हो गया, या स्विच आपका क्लोज है और जस्ट उसको अपन ने ओपन कर दिया तो आपका सर्किट में ट्रांजिएंट होगा। तो इसकी अपन को एनालिसिस करनी है। अब मैंने क्या किया, आपको इसमें कुछ पॉइंट नोट करवा दे रहा हूँ, इंडक्टर से रिलेटेड और कैपेसिटर से रिलेटेड, वो आपको याद रखने हैं वो पॉइंट, तो इनसे आप सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ट्रांजिएंट के। तो प्रॉपर्टी देखते हैं, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो होता है वी एल इक्वल्स टू, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज एल डी आई वाई डी टी, एंड जो करंट होगा, करंट आपका इसी फॉर्मूले से आप करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन एल, एल आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ठीक है, तो यह हुआ इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का और करंट का फॉर्मूला। अब पहला पॉइंट है इंडक्टर का कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। जो आपका इंडक्टर होगा वो करंट का सडन चेंज अलाउ नहीं करेगा, मतलब टी टेन टू जीरो माइनस पर जो आपका करंट होगा आई, वही आपका टी टेन टू जीरो प्लस पर होगा, क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, इंडक्टर अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को सडन चेंज ऑफ अलाउ करता है और करंट को सडन चेंज ऑफ अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इंडक्टर की, एट इनिशियल पॉइंट इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट। मान के चलिए कोई सर्किट है आपका, तो इनिशियल पॉइंट पर कोई इंडक्टर है और किसी सोर्स से, या तो वो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, उससे आपने जस्ट कनेक्ट किया, जस्ट
कनेक्ट किया आपने सोर्स से इंडक्टर को, तो आपका इंडक्टर इनिशियल में कैसा हो जाएगा, तुरंत ओपन सर्किट बिहेव करेगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पर। लेकिन अगर आप फाइनल पॉइंट की बात करें, इंडक्टर को काफी टाइम हो गया सोर्स के साथ कनेक्ट हुए, तो आपका इंडक्टर बाद में कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब कि इंडक्टर इनिशियली में आपका क्या था, ओपन सर्किट था, और फाइनल में आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कब ओपन सर्किट है इंडक्टर, कब शॉर्ट सर्किट है इंडक्टर। अब एक पॉइंट और है, इफ इंडक्टर कनेक्टेड टू अ सोर्स, अगर आपका कोई इंडक्टर है वो सोर्स से कनेक्ट है सिंस लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से अगर सोर्स से कनेक्ट है, देन इट इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किट। बहुत टाइम से कनेक्ट है तो आपका इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये कब शॉर्ट होगा या कब ओपन होगा, ये अभी आपको पॉइंट याद रखने हैं, और मैंने आगे इनका एक्सप्लेनेशन आपको विथ डायग्राम समझाया है, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखने हैं। और एक और है, इफ इंडक्टर जस्ट कनेक्टेड टू सोर्स देन इट बिहेव इनिशियली एज ओपन सर्किट, जैसा कि मैंने बताया, एंड एट फाइनल इट बिकम शॉर्ट सर्किट, फाइनल में हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब करंट का जो फॉर्मूला होगा किसी टाइम इंस्टेंट टी पर, आई टी से डिनोट करते हैं, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, एक सेकंड हो, दो सेकंड हो, पाँच सेकंड हो, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई फाइनल। मतलब फाइनली में इंडक्टर में फाइनली कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई फाइनल माइनस आई इनिशियल इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब यहाँ पर टाउ क्या हो गया, टाउ है आपका यहाँ पर टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टर, इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट होता है एल अपॉन आर, और बैंडविड्थ क्या होती है, आर एल सीरीज सर्किट की आर अपॉन एल, इसकी जस्ट अपोजिट। टाइम कांस्टेंट याद रखना है एल अपॉन आर, और बैंडविड्थ होती है आर एल सीरीज सर्किट की आर बाई एल, ठीक है। तो ये इंडक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी हुई। अब आपको मैं इनका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो जैसे आर एल सर्किट है, आर एल सर्किट विद सोर्स, कोई आर और एल सर्किट है, सोर्स से कनेक्ट है, वोल्टेज वी से कनेक्ट है, ये कोई स्विच लगा है उसमें, टी टेन टू जीरो, ये सिंबल मैंने आपको बताया था, सर्किट स्विच पहले आपका ओपन है, स्विच आपका पहले ओपन है, एंड टी टेन टू जीरो पर क्या हो रहा है, एरो आपका नीचे आ रहा है, मतलब टी टेन टू जीरो पर स्विच आपका क्लोज हो रहा है। तो देखते हैं अपन एट टी टेन टू जीरो माइनस पर क्या हो रहा है, जीरो माइनस पर आपका क्या हो रहा है, स्विच ओपन है, स्विच इज ओपन, सो नो करंट फ्लो इन द इंडक्टर। स्विच जब आपका ओपन हो जाएगा तो सर्किट आपका ओपन सर्किट हो गया, तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट कोई फ्लो नहीं होगा, तो आई एल जीरो माइनस, जीरो माइनस क्या होगा आपका, जीरो माइनस जब स्विच आपका ओपन था तब इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, तो टी टेन टू जीरो पर क्या हुआ, जीरो प्लस पर, ये हुई जीरो माइनस की सिचुएशन, जीरो प्लस पर क्या हो गया आपका, स्विच क्लोज हो गया, स्विच आपका क्लोज हो गया, तो स्विच इज क्लोज। लेकिन इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं करता, तो जो आपका इंडक्टर के अक्रॉस जीरो माइनस पर करंट होगा वही आपका इंडक्टर में जीरो प्लस पर भी करंट होगा। तो जीरो माइनस पर आपका जीरो करंट था क्योंकि सर्किट ओपन सर्किट था, तो वही जीरो प्लस पर भी आपका जीरो करंट फ्लो होगा, जीरो प्लस पर जबकि सर्किट आपका स्विच आपका क्लोज हो गया, तो सर्किट आपका क्या हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सडन चेंज ऑफ करंट अलाउ नहीं करता है, तो आई एल जीरो प्लस पर भी आपका जीरो होगा करंट, ठीक है। तो ये हुई जीरो माइनस और जीरो प्लस की बात। और अब बात करें अपन टी टेन टू इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर क्या होगा आपका, स्टेडी स्टेट रीच्ड, मतलब टी टेन टू इनफाइनाइट पर बहुत टाइम हो गया स्विच को क्लोज हुए, तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन पे अपनी पहुंच जाएगा और इंडक्टर बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। स्टेडी स्टेट में इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो इंडक्टर जब आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर, तो आई एल इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अब तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल करंट कितना हो जाएगा एट एनी इंस्टेंट टी सेकंड, मान के चलिए इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि 5 सेकंड पर करंट कैलकुलेट करना है या 10 सेकंड पर करंट कैलकुलेट करना है, तो टी सेकंड पर करंट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
याद रखना है आपको बिल्कुल, आई टी इक्वल्स टू आई फाइनल माइनस आई फाइनल माइनस इनिशियल इन टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो आई टी हो जाएगा एट टी इंस्टेंट पर आई फाइनल की वैल्यू अपन ने कितनी कैलकुलेट की, वी अपॉन आर माइनस फाइनल की वैल्यू वी अपॉन आर, और आई जीरो प्लस पर वैल्यू कितनी थी जीरो इन टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाइम कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा एल अपॉन आर, तो माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आर आपका ऊपर हो जाएगा, तो वी अपॉन आर टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल हो जाएगा। तो ये हो गया किसी टाइम टी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू इंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखिए, इससे अपन एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे मान के चलिए टी तो क्या है आपका, टी है आपका सेकंड में, तो मान के चलिए जीरो सेकंड पर, टी टेन टू जीरो सेकंड की बात करें, टी टेन टू जीरो सेकंड पर, जीरो सेकंड पर कितना करंट होगा। ठीक है, आई यहाँ पर मान के चलिए जीरो पर करंट आपको कैलकुलेट करना है, तो टी की वैल्यू जब आपने इसमें जीरो पुट की तो ई टू द पावर माइनस जीरो, ई टू द पावर माइनस जीरो की वैल्यू हो जाएगी कितनी वन, तो वन माइनस वन जीरो, तो आई जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, जीरो पर वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। ठीक है, और इसमें अब मान के चलिए टी टेन टू इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट पर कितना हो जाएगा ई टू द पावर, टी की वैल्यू अपन ने इनफाइनाइट रखी तो ई टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है कितनी जीरो, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो, और आई इनफाइनाइट पर कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, आई इनफाइनाइट पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल वी अपॉन आर। तो यही मैंने आपको इस ग्राफ से समझाने की कोशिश की है कि जीरो पर वैल्यू कितनी थी आई की जीरो, और इनफाइनाइट पर ये एक्सपोनेंशियली चार्जिंग होते 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 इनफाइनाइट पर वैल्यू हो जाएगी आपकी वी अपॉन आर। तो ये जो इक्वेशन हुई आपकी वी अपॉन आर वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ये हो गई आपकी एक्सपोनेंशियली चार्जिंग इक्वेशन हो गई, एक्सपोनेंशियली चार्जिंग, क्योंकि जीरो पर जीरो वैल्यू आती है और इनफाइनाइट पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है वी अपॉन आर। तो ये हो गई आपकी एक टाइप से चार्जिंग, एक्सपोनेंशियली चार्जिंग इक्वेशन हो गई, इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू हो गई। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है एल डी आई वाई डी टी, तो वोल्टेज के लिए आप इसको क्या कर देंगे एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, वी एल हो जाएगा आपका एल डी वाई डी टी ऑफ आई टी, आई टी की वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट कर दी, तो इसमें एल डी वाई डी टी ऑफ वी अपॉन आर हो जाएगा, और माइनस ये वाला माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है एल एल ये वाला एल हो गया इंटू माइनस वी बटे आर इंटू आर बटे एल, ई टू द पावर माइनस ए टी का हो जाएगा ए इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो इसमें तो टी की कोई वैल्यू है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो वी एल की वैल्यू हो जाएगी वी ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो इसको अपन ग्राफ से कैसे देखेंगे, इसमें मान के चलिए अपन ने टी टेन टू जीरो की वैल्यू पुट की, तो टी की वैल्यू जीरो पुट की तो ई टू द पावर माइनस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन। ठीक है, तो ये वैल्यू जब वन हो जाएगी तो वी एल की वैल्यू हो जाएगी जीरो पर कितनी वी, वी एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी वी, और टी टेन टू अपन ने इनफाइनाइट पुट किया तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाती है जीरो। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो ये क्या हुई आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो आरएल आरएल सर्किट में मतलब इंडक्टर में आपका क्या हुआ, करंट आपका क्या हो रहा था एक्सपोनेंशियली चार्जिंग हो रहा था, एक्सपोनेंशियली चार्जिंग हो रही थी उस वाली इक्वेशन से, और ये आपकी इक्वेशन हुई वोल्टेज की, तो वोल्टेज आपका क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो जो वो वाली थी वन माइनस करके जो इक्वेशन थी वो थी आपकी चार्जिंग इक्वेशन होती है, और ये होती है आपकी डिस्चार्जिंग इक्वेशन। तो ये आपको याद रखनी है। तो ठीक है, इस वीडियोस में इतना ही। ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।